सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग यूपीएसआई 2021 के रिजल्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और कट ऑफ से भी रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी जो कि वायरल हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, कि DVPST के लिए शायद आपको अप्रॉक्स 4000 स्टूडेंट्स जो हैं 4000 विद्यार्थियों को 4000 विद्यार्थियों को जो है बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी तो कोई सीन लग नहीं रहा है कि DVPST आप लोगों का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है आपका वो होगा, क्योंकि कोविड के केसेस अभी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी चांस नहीं लग रहा है, हो सकता है आपका जो प्रोसेस है ये मार्च वगैरह में हो, और इसी के वजह से जो है आपका रिज़ल्ट भी जो है डिले होने के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि रिज़ल्ट जो है आपका 2 से 3 दिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, और 2 दिन पहले ट्विटर पे जो है आप लोगों ने काफ़ी सारे ट्वीट्स और रीट्वीट्स भी किए, तो अभी तक उधर से कोई आपका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अब इलेक्शंस के वजह से ये डिले हो रहा है, तो लेकिन प्रोसेस में जो है आपकी कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए, बट लेट अस सी रिज़ल्ट जो है आपका कब आता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा थोड़ा। तो अब थोड़ा कट ऑफ से रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो एक रेफरेंस लेकर के हम लोग बात करते हैं, वहाँ से जो भी सारे कट ऑफ्स होंगे उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। परफेक्ट कट ऑफ जो है वो आपको बताना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो अप्रॉक्स हो सकता है कट ऑफ, जिसके आसपास रह सकता है कट ऑफ, तो वो बताने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको। तो जैसे कि सूत्र से पता चल रहा है कि जो आपका SC का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 210-20 के आसपास रहने वाला है। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें कट ऑफ जो है वो 200-210 के आसपास रह रहा है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये कहना था कि जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्वियसली जो विद्यार्थी जिन्होंने अप्लाई किया है इस एग्जामिनेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसीलिए कट ऑफ जो है बोला जा रहा है कि हाई होगा। तो 210-220 अगर SC का कट ऑफ होता है तो उससे हम लोग 10-15 प्लस अगर करके चलते हैं तो आपका 220-225 के आसपास होता है। तो ये कट ऑफ जो है सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ SC का ये हो सकता है। तो अब आप अदर कैटेगरीज का जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका क्या कट ऑफ हो सकता है। तो आप इसमें 35-40 मार्क्स इंक्रीज कर लो तो वो आपका जनरल का कट ऑफ हो जाएगा, और 4-5 नंबर जो है आपका OBC के लिए आप जनरल से आप एडजस्ट कर सकते हो, वो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो जनरल का जो कट ऑफ हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 220-25 से अगर मैं 35-40 प्लस करता हूं तो वो आपका 260-265 के आसपास देखने को इसी रेंज में मिल सकता है। तो जिन लोगों का भी स्कोर जो है अगर इसके आसपास है अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, तो आप रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी देख सकते हो। ST में आप SC वाले कैटेगरी से जो है थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, और जो एक्स सर्विस मैन है उनका भी आप कट ऑफ जो है कम कर सकते हो, और गर्ल्स कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी लगभग जो SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 210-215 इसी टाइप से आपका जाने वाला है, और वो कट ऑफ गर्ल्स का जो है वो हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गर्ल्स की कैंडिडेट्स थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। तो कट ऑफ जो है आपका इसी टाइप से रहने वाला है। कुछ कट ऑफ फाइनल जो भी आएगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, तो वो श्योरिटी से नहीं बताया जा सकता क्या कट ऑफ हुआ, बस एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ आपका क्या होता है और रिज़ल्ट जो है आपको कब देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो भी इलेक्शंस आपके हैं यूपी के, तो वो मार्च में उसका रिज़ल्ट आएगा, और जो मिड फेब्रुअरी है वहाँ पे आपका इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपका रिज़ल्ट इस वीक तक आपको अगर देखने को नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से अब रिज़ल्ट जो है आपका फेब्रुअरी मार्च के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। और DVPST का तो मुझे अभी कोई चांस लग नहीं रहा है इस कोविड के सीन को देखते हुए। तो DVPST के लिए जैसा मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि 4000 लोगों को बुलाए जाने की चांसेस हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स के बाद अगर BJP की गवर्नमेंट अगर आती है तो मेरे हिसाब से ये जो आपकी भर्ती है उसका रिजल्ट उसका जो प्रोसेस है पूरा आपको देखने को मिल सकता है। और अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो मुझे लगता है कि ये जो आपका सर्विस था, ये जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, ये जो अभी प्रोसेस आपका चल रहा है, तो ये तो अब होने से रहा अगर BJP गवर्नमेंट नहीं आती है तो। और BJP गवर्नमेंट अगर आती है तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, फुल प्रोसेस आप देख पाओगे, और काफ़ी लोग जो हैं रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका BJP की गवर्नमेंट आती है UP में। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।